हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो के अंदर मैं रिएक्ट कर रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर, हिस्ट्री ऑफ ग्रैंड मॉस्क सीजर 1979, हाउ पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज डिफेंडेड खाना काबा, अटैक ऑन काबा 1979। देखते हैं इस हिस्ट्री की कहानी को। मैंने सिर्फ पढ़ा हुआ है, ये लोगों ने इसकी वीडियो बनाई हुई है लेकिन मैंने देखा नहीं है। चलिए देखते हैं क्या हिस्ट्री रही है ये खाना काबा को बचाने की। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। दोस्तों, खाना काबा को इस दुनिया में रहने वाला कोई भी इंसान आज ना जानता हो ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि अरब के मशहूर शहर मक्का में मौजूद खाना काबा ही वो जगह है कि जो इस्लाम धर्म में सबसे ज़्यादा पवित्र यानी सबसे ज़्यादा मुकद्दस मानी जाती है। साल में एक बार दुनिया भर के लाखों मुसलमान हज करने के इरादे से इस खाने काबा की ज़ियारत करने तो जाते ही हैं, साथ ही साथ हज के महीने के अलावा भी पूरे साल में कोई एक ऐसा दिन नहीं गुजरता है कि जिस दिन खाने काबा में हज़ारों की तादाद में मुसलमान मौजूद ना हों, यानी हमेशा ही इसका तवाफ़ करने के लिए और इसे देखने के लिए हज़ारों लोगों की भीड़ जमा रहती है। काबा शरीफ को शांति का आइडल माना जाता है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि काबा शरीफ ही दुनिया की वो इकलौती एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर बेवजह तो दूर बल्कि अगर आपकी किसी से जंग भी चल रही है फिर भी आपको काबा शरीफ के अंदर हथियार उठाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 1979 यानी 1979 के एक ऐसे हादसे के बारे में बताएंगे कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप लोगों में से जो भी काबे से जुड़े इस हादसे के बारे में पहली बार सुनेगा यकीनन उसका दिल खौफ से दहल उठेगा। दोस्तों, ये कहानी है लगभग आज से 40 साल पहले की। 20 नवंबर 1979 का दिन था और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से मुहर्रम की एक तारीख थी। सुबह के लगभग 4:30 से 5 बज चुके थे और हर दिन के दस्तूर के मुताबिक ही काबे शरीफ में मौजूद सारे लोग अपनी फजर की नमाज की तैयारी कर रहे थे। लेकिन काबे शरीफ में मौजूद किसी भी इंसान को इस बात का एहसास नहीं था कि कुछ देर बाद ही कुछ ऐसा ख़तरनाक और खौफनाक होने वाला है जो आज से पहले कभी भी इस्लामिक हिस्ट्री में नहीं हुआ था। दोस्तों, जैसे ही फजर की नमाज में काबे के इमाम ने सलाम फेरा, वैसे ही आगे की लाइन में ही बैठे कुछ लोग अपने अपने हथियार लेकर खड़े हो गए और उन्होंने फौरन काबे के अंदर मौजूद सारे लोगों को कैदी बना लिया। बताया जाता है कि उस वक्त काबे के अंदर लगभग हज़ारों की तादाद में लोग नमाज अदा कर रहे थे और उन सारे ही लोगों को हथियार के बल पर कैदी बना लिया गया था। हथियार के दम पर हज़ारों बेगुनाह लोगों को कैदी बनाने वाले इस ग्रुप का जो लीडर था उसका नाम जुहैमन अल उतैबी था। जुहैमन अल उतैबी नाम के इस मास्टर ने सबसे पहले काबे के इमाम से माइक छीना और उस माइक में बोलना शुरू कर दिया। जुहैमन अल उतैबी ने काबे के अंदर मौजूद लोगों से कहा कि ए लोगों, हम सभी जानते हैं कि कयामत बिल्कुल करीब है और आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जब जुल्म और नाइंसाफ़ी का बोलबाला है और हमारे नबी के फरमान के मुताबिक कयामत से पहले ऐसे नाइंसाफ़ी और जुल्म के दौर में अल्लाह का एक नेक बंदा पैदा होगा जिसे हम सब हज़रत इमाम मेहदी के नाम से जानते हैं। हज़रत इमाम मेहदी पूरी दुनिया में अमन फैलाएंगे और इस नाइंसाफ़ी और जुल्म के दौर को ख़त्म करेंगे और खुशकिस्मती है हम सब के लिए कि हज़रत इमाम मेहदी आ चुके हैं और वो हम लोगों के बीच में ही मौजूद हैं। उसके बाद जुहैमन अल उतैबी ने एक दूसरे बंदे को माइक पर बुलाया जिसका नाम मोहम्मद अल कहतानी था और उसकी तरफ इशारा करते हुए लोगों से कहा कि लोगों, यही हैं हमारे नए खलीफा यानी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो इस दुनिया को जुल्म और नाइंसाफ़ी से बचाएंगे और इस पूरी दुनिया में अमन फैलाएंगे। दोस्तों, क्योंकि वजह ये थी कि काबे शरीफ के अंदर उस वक्त जो भी हज़ारों लाखों की तादाद में मुसलमान कैदी बनाए गए थे उनमें से ज़्यादातर मुसलमान ऐसे थे कि जो गैर अरबी थे, यानी जो ऐसे देश से ताल्लुक़ रखा करते थे कि जहाँ पर अरबी जबान नहीं बोली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ उन दहशतगर्दों के मास्टरमाइंड यानी जुहैमन अल उतैबी ने माइक पर इमाम मेहदी के आने का जो ऐलान किया था वो अरबिक ज़बान में किया था, जिसकी वजह से वहां मौजूद ज़्यादातर लोग तो उसकी बात को समझ ही ना सके थे। लेकिन कुछ परसेंट लोग जो अरबिक जानते थे और उसकी बात समझ गए थे वो लोग भी बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हो गए थे, क्योंकि वो लोग नहीं समझ पा रहे थे कि ये सच में वही इमाम मेहदी है कि जिसके आने की खबर हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी है या फिर ये कोई मक्कार झूठा और फरेबी इंसान है। बहुत सारे लोगों ने इस परेशानी की वजह से बाहर भागने की भी कोशिश की लेकिन वो सारे लोग नाकामयाब हुए, क्योंकि बाहर जाने वाले सभी रास्तों को जंजीरों से लॉक कर दिया गया था और सभी दरवाज़ों पर बंदूक लिए हुए बंदों को खड़ा कर दिया गया था।
दोस्तों मोहम्मद अल कहतानी यानी जो अपने आप को इमाम मेहदी बता रहा था वो जुहैमन अल उतैबी का रिश्ते में बहनोई था, यानी वही जुहैमन अल उतैबी जो इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड था। बताया जाता है कि जुहैमन अल उतैबी यानी जिसने इस पूरे हमले की प्लानिंग की थी वो नजद के एक कबीले बद्दू से ताल्लुक रखा करता था। उसका खानदान भी अरब में एक ताकतवर और भारी भरकम खानदान माना जाता था। उसकी वजह ये थी कि किसी दौर में उसके दादा इब्ने सऊद के बड़े करीबी रहे थे। इतना ही नहीं, जुहैमन अल उतैबी नाम का ये इंसान एक आलम दीन भी था। 1978 में सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करने के जुर्म में इसे जेल में भेज दिया गया था और जेल में ही इसकी मुलाकात मोहम्मद अल कहतानी नाम के उस इंसान से हुई थी कि जिसने बाद में इमाम मेहदी होने का दावा कर दिया था। जेल में ही मोहम्मद अल कहतानी ने इसे बताया था कि मेरे पास अल्लाह की वही आई है और मैं ही इमाम मेहदी हूँ कि जिसके आने का इंतज़ार पूरी दुनिया के मुसलमान कर रहे हैं। जुहैमन अल उतैबी ने मोहम्मद अल कहतानी की इस झूठी बात पर यकीन कर लिया और आगे की प्लानिंग शुरू कर दी और जेल में ही उन दोनों ने यह मंसूबा बनाना शुरू कर दिया था कि वो आखिर किस तरह से सऊदी गवर्नमेंट का तख्ता पलट करेंगे। जुहैमन अल उतैबी को मोहम्मद अल कहतानी के इमाम मेहदी होने पर इतना यकीन हो गया था कि उसने अपनी एक बहन की शादी भी मोहम्मद अल कहतानी यानी झूठे इमाम मेहदी से करवा दी थी और आखिरकार इन दोनों ने 20 नवंबर 1979 को इस घिनौने और खौफनाक कारनामे को अंजाम दिया था और इन लोगों का ये नापाक खेल काबे जैसी पाक जगह पर लगभग 15 दिनों तक लगातार चलता रहा था। शुरू के 4 दिन तो इन्होंने खाने काबा के अंदर मौजूद सभी हजारों लाखों लोगों को कैदी बनाए रखा, लेकिन जब 4 दिन के बाद सभी लोगों के लिए खुराक का इंतज़ाम न हो सका तो इन लोगों ने आधे लोगों को मस्जिद हराम से बाहर जाने की इजाज़त दे दी और बचे हुए आधे लोग ही इनके कैदी बने रहे। इस बात की खबर जब उस वक्त के सऊदी किंग तक पहुंची तो उनके होश उड़ गए। पूरी शाही फैमिली पर उनकी हुकूमत जाने का खतरा मंडराने लगा था। हथियारों के बल पर पूरे काबे को अपने कंट्रोल में लेने वाले ये दहशतगर्द लोग माइक में सऊदी गवर्नमेंट से ये मांग कर रहे थे कि सऊदी गवर्नमेंट सबसे पहले सभी यूरोपियन कंट्रीज़ को तेल भेजना बंद कर दे और सारे यूरोपियन देशों से अपने ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म कर दे, साथ ही साथ सऊदी अरबिया से उन सारे कानूनों को भी ख़त्म कर दिया जाए जो सारे कानून यूरोपियन कंट्रीज़ को देखकर बनाए गए हैं और फिर से सऊदी अरबिया में वो सारे इस्लामी कानून लागू किए जाएं जो एक इस्लामी हुकूमत में लागू होना चाहिए। इसके अलावा उन लोगों ने सऊदी गवर्नमेंट से टीवी को भी पूरे तौर पर बैन करने की मांग की थी। ये इतिहास के वो खौफनाक 15 दिन थे कि जब खाने काबा का तवाफ बंद कर दिया गया था, मस्जिद में किसी को जाने की इजाज़त भी नहीं थी, साथ ही साथ पूरी इस्लामी दुनिया में भी जगह जगह पर प्रदर्शन होना शुरू हो गए थे। धीरे धीरे सऊदी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। सऊदी गवर्नमेंट ने इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए सबसे पहले अपने कुछ स्पेशल कमांडोज को रवाना किया, लेकिन वो सारे लोग भी नाकामयाब हुए क्योंकि वजह ये थी कि अल उतैबी के ज़्यादातर लोग मस्जिद हराम के तहखानों में छुपे हुए थे और काबे शरीफ तक पहुँचने का भी सिर्फ एक यही रास्ता था, लिहाजा जो भी सऊदी कमांडो आगे बढ़ने की कोशिश किया करता था उसे ये लोग गोली से मार दिया करते थे। इसके अलावा काबे शरीफ के अदब की वजह से सऊदी गवर्नमेंट कोई बड़ा अटैक भी नहीं कर सकती थी। सऊदी गवर्नमेंट को हर कदम बड़ा सोच समझकर ही उठाना था क्योंकि अंदर बहुत सारे बूढ़े बच्चे और औरतें भी मौजूद थी। दोस्तों उस दौर में सऊदी और फ्रांस के रिश्ते भी बहुत अच्छे थे। सऊदी ने सबसे पहले फ्रांस से मदद मांगी और फ्रांस ने फौरन अपनी एक स्पेशल टुकड़ी सऊदी की मदद के लिए रवाना कर दी। फ्रांस के साथ साथ सऊदी ने इस मुसीबत से बचने के लिए पाकिस्तान से भी मदद मांगी थी, लिहाजा पाकिस्तान से भी काबे शरीफ का कब्जा छुड़ाने के लिए एक स्पेशल फोर्स रवाना की गई थी। फ्रांस की उस स्पेशल फोर्स ने अल उतैबी के लोगों से टक्कर तो बहुत ली, लेकिन क्योंकि गैर मुस्लिम को काबे के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी इसीलिए वो लोग कब्ज़ा छुड़ाने में कामयाब ना हो सके और आखिरकार 4 दिसंबर को सऊदी अरबिया के स्पेशल कमांडोज पाकिस्तान आर्मी की मदद से इस बगावत को कुचलने में कामयाब हो गए थे। बताया जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने मस्जिद हराम के तमाम तहखानों में पानी छोड़ दिया था और उन पानी में बिजली के तारों को डाल दिया गया था ताकि तहखानों में छुपे हुए सारे दहशतगर्द बाहर आ जाएं। इतना ही नहीं, बहुत सारे टायरों को भी जलाया गया था जिसके धुएं को तहखाने में छुपे हुए लोग बर्दाश्त न कर सके और आखिरकार परेशान होकर वो सारे दहशतगर्द बाहर निकलने पर मजबूर हो गए थे। बाहर निकलते ही उन सब को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर कुछ दिन के बाद ही सबके सामने उन सब के सर को कलम कर दिया गया था, यानी उनकी गर्दन को उड़ा दिया गया था।
ताकि फ्यूचर में दोबारा कोई भी इंसान खाने काबा में ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। लगभग 15 दिन चले इस ऑपरेशन में इन दहशतगर्दों के अलावा भी सैकड़ों बेगुनाह लोग ऐसे थे कि जो अपनी जान गवा बैठे थे। मोहम्मद अल-कहतानी नाम का वो झूठा शख्स जो अपने आप को इमाम मेहंदी बता रहा था, वो भी इस ऑपरेशन में मारा गया था। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। माई गॉड, क्या स्टोरी थी यार, बड़ी ख़तरनाक स्टोरी थी। और इसमें साफ साफ पता चलता है यार कि कोई भी क्रिमिनल उठकर जो जेल काट आया है, भले ही कितनी बड़ी फैमिली से हो, कितने ही बड़े ख़ानदान से आया हुआ हो, कितना ही अमीर हो, कितना ही ख़ानदानी हो, वो उठकर भाई क्रिमिनल होता है, जेल में जा चुका होता है, फिर वहाँ पर दो लोग मिलते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, मतलब कुछ भी उठकर प्लानिंग करने लगे तुम यार के मैं इमाम मेहंदी हूँ और तुम मेरी बात मानो, और वो मान भी जाता है बंदा, और इतने बड़े क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं दोनों, इबादतों से रोक देते हैं। कितना बड़ा गुनाह है यार, लोगों की इबादत वहाँ पर बंद कर लिया, लोगों को जो इबादत कर रहे थे उन पर टॉर्चर किया, उनको मारा। ऐसे आएंगे क्या इमाम मेहंदी? ऐसे तो नहीं सोचा होगा किसी ने, ऐसे तो कोई भी यकीन नहीं कर सकता। सो ये बहुत मुश्किल 15 दिन थे, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। पूरी दुनिया हक्का बक्का रह गई थी उस टाइम, बहुत ही प्लानिंग के साथ किया, एंड वाकई में यार काबिल तारीफ़ है कि उस चीज़ को बचा लिया। बहुत ही काबिल तारीफ ऑपरेशन था ये, कामयाब होना इसमें बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि हर जगह पर घुसे हुए थे, एंड पिक्चर्स में ब्लैक एंड वाइट हमने देखा, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे लोग भी थे, है ना, जैसे नई उम्र के लोग और जवान लोग थे ज़्यादातर। और कितना खौफनाक मंजर होगा जो लोग वहाँ पर होंगे मौजूद उनके लिए, जिसका पूरी दुनिया को इंतज़ार है, मुसलमानों को, वो इस तरीके से आएंगे जुल्म करते हुए, तो कोई नहीं आएगा यार, ऐसे तो नहीं आ सकता, कौन यकीन करेगा। तो ये बहुत गंदी, बहुत ही नापाक हरकत थी। बहुत ही सही तरीके से पाकिस्तानी सोल्जर्स ने भी वहाँ पर जाकर काम किया, जो ऑपरेशन कंप्लीट हो पाया। तो बहुत ही तगड़ी इमोशनल, बहुत ही खौफनाक, दर्दनाक स्टोरी थी ये, जो कि सच है, इस दुनिया में हुआ है। कभी वहाँ पर इबादत नहीं रुकी, ना किसी ने रोका इबादत करने से, 24 घंटे हर रोज़ 12 महीने चलती रहती है वहाँ पर, लेकिन वो 15 दिन हिस्ट्री लिख गए वो लोग, लेकिन गंदी हिस्ट्री लिख कर गए हैं। हादसे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, सब्सक्राइब कर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।